राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में 14 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में किया गया है, जिसमें आपराधिक वाद, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस में वेतन संबंधित विवाद एवं सेवानिवृत्त लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व वादों, सिविल वादों एवं प्री लिटिगेशन स्तर के मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नुसरत खान ने बताया कि जो भी वादा कारी अपने वादों को लोक अदालत में निस्तारण कराना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने वादों का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सचिव नुसरत खान ने बताया, दिनांक 14 जुलाई 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में गोरखपुर न्यायालय परिसर में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य जो है, विभिन्न प्रकार के मामलों में सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण कराना है। लघु आपराधिक वादों में इसका निस्तारण जुर्म स्वीकृति के आधार पर भी किया जाता है। इसमें जो मामले सम्मिलित होते हैं, मुख्य रूप से उसमें पारिवारिक मामले जिसमें घरेलू हिंसा, भरण पोषण, और वैवाहिक मामले जिसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेपरेशन के मामले, और लघु आपराधिक मामले जिसमें सिर्फ फाइन पे उनको छोड़ा जा सकता है, उस तरीके के मामले, इनका निस्तारण जो है लोक अदालत के दिन किया जाएगा। इसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, धारा 138 NI एक्ट जो चेक के अनादरण से संबंधित मामले होते हैं, दीवानी वाद, शमनी वाद, स्थानीय विधि के अंतर्गत जो शमनी है जिसमें सुलह समझौते के आधार पर जिनका निस्तारण किया जा सकता है, बाट माप अधिनियम के अंतर्गत जो मामले आते हैं, बैंक वसूली है, नगर निगम की चालानी है, राजस्व वाद, यातायात अधिनियम से संबंधित, इस सारे मामले इनके अंतर्गत आते हैं और इनका निस्तारण लोक अदालत के दिन किया जा सकता है। मैं जनपद गोरखपुर के समस्त निवासीगण से आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि वो दिनांक 14 जुलाई 2018 को अपने जो भी लघु वैवाहिक आपराधिक लघु आपराधिक मामले हैं न्यायालय में जो लंबित हैं, जिस स्तर पर भी लंबित हो, उनको सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने हेतु प्रयास करें और कहीं और न्यायालय की इस भागीदारी में हिस्सा बने।